हेलो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बांग्लादेश डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश्ड ईयर है 2011 और लोकेटेड है मोक बाजार ढाका बांग्लादेश में। यह जो कॉलेज है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से अप्रूव्ड है एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज फ्रॉम BMDC बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ये कॉलेज ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज है 12 स्टोरी बिल्डिंग। कॉलेज ऑफर 5 इयर्स MBBS कोर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। अब स्टूडेंट्स के सीट्स के बात करते हैं तो इस कॉलेज में टोटल 100 सीट्स है, जिसमें से 50% सीट्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है और जो बाकी के सीट्स है वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए है। डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में 200 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। अब अगर इस कॉलेज की हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो इस कॉलेज में 500 प्लस बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। इस कॉलेज में दो हॉस्पिटल है, एक कैंपस के अंदर है और एक ढाका सिटी में है। अब स्टूडेंट्स की हॉस्टल्स के बारे में बात करते हैं। इस कॉलेज में हॉस्टल्स जो कि है वो सेपरेट है बॉयज और गर्ल्स के लिए, जहां पर बच्चे कंफर्टेबली रह सकते हैं। अभी कॉलेज की फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं। इस कॉलेज में आपको लाइब्रेरी, कैंटीन, लिफ्ट, वाईफाई, कैफेटेरिया, डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रेयर रूम और भी सारे फैसिलिटीज इस कॉलेज में है। ये कॉलेज बांग्लादेश की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजों में से एक है। अब अगर खाने की बात करें तो इस मेडिकल कॉलेज में फूड जो कि है वो हाइजीनिक होता है और एज कम्पेयर टू इंडिया सेम फूड है, इंडिया जैसा ही फूड मिलता है। दो टाइप्स का फूड प्रोवाइड होता है, वेज और नॉन वेज। डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज की डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू कॉलेज 14.8 किलोमीटर, मतलब 35 मिनट की जर्नी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। और अगर किसी को एडमिशन लेना हो या फिर इंफॉर्मेशन गाइड करनी हो तो मेरे स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे जरूर संपर्क करना। तो चलो मिलते हैं अगले एक नए मेडिकल कॉलेज के साथ।